होप सो गाइस आप लोग बढ़िया होंगे, तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही होगी। गाइस मैं ऑलरेडी वीडियोस 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस कर चुके हैं एंड होप सो आप लोग को एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे लिए क्या रेलेवेंट कंटेंट है और क्या रेलेवेंट टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है और किसे नहीं कवर करना है। सो गाइज मैं ये अभी तक अगर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की बात है तो मैंने अभी तक 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इफ यू गाइज थिंक कि मुझे ये क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अब हटा के डायरेक्टली आपको डीप उसमें लाइक बेसिक डिटेल्स में बेसिक केस स्टडीज में जाना चाहिए सो आप बिल्कुल कमेंट करो, मैसेज करो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके का मॉडिफिकेशन चाहते हो अपना मतलब मेरे वीडियोस में सो आप उसे प्रोवाइड करो और मैं उसी अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगी। सो टिल देन हम लोग मेरा ये टारगेट है कि फर्स्ट हम लोग 200 क्वेश्चंस यानी 2 क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे और सॉरी एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को किस डायरेक्शन में पढ़ाई स्टार्ट करनी है, लाइक व्हाट वी हैव टू एक्चुअली कवर द कंटेंट फॉर द स्पेसिफिक एग्जाम और व्हाटएवर द कंटेंट वी डोंट हैव टू कवर। सो गाइज स्टार्ट करती हूँ 51st जो क्वेश्चन है और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और सबसे पहले ये है कि हम लोगों ने अभी तक जो स्टूडेंट्स देख लिया आईपीसी में इम्पोर्टेंट देख लिया, हम लोगों ने कमर्शियल लॉ का इम्पोर्टेंट पार्ट देख लिया। सो स्टार्ट करती हूँ मैं आज अभी फिर आईपीसी अगर आप देखो 403 है बट आई डोंट थिंक सो गाइज कि ये इतना इम्पोर्टेंट है आईपीसी का ये 403 सेक्शन, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में रेगुलर बताते चल रही हूँ। ये सब गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा ये होते हैं कि जो लाइक 80% क्वेश्चन होते हैं वो तो एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं बट वही होता है कि 20% क्वेश्चन जो थोड़ा सा साइड हट के आ जाते हैं वो ये उन क्वेश्चंस में से होते हैं, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन बस फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। सो गाइज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ये कंटेंट ये केस लॉ आपको पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और इसके ओवर रूलिंग केस उससे प्रोसीडिंग केस प्रीसीडिंग केस सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला इंपॉर्टेंट केस लॉ है और गाइज होप सो आप लोग को मैं फर्स्ट वीडियो में ही बताया था जब मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया था कि आप लोग नोट्स बनाते चलो और उसमें लिखते चलो कि हमें ज्यूरिसप्रूडेंस में क्या कवर करना है सो दैट आपको आफ्टर 200 क्वेश्चन ये एनालाइज हो जाए कि आपको किस तरीके से किस डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 53 बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक इसी से रिलेटेड अगर मुझे पता मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो एनालाइज किया है बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह स्टेट वर्सेस पंजाब। गाइज ये तीन केस आप इन तीनों केसेस को एक साथ रख के अलग अलग करके आपको जिस तरीके से कवर करना है आप इस केस को कवर करो क्योंकि ये तीनों केस इतने इम्पोर्टेंट है लेकिन कि अगर आपने एक भी केस अगर मिस कर दिया लाइक आपने सोचा चलो अच्छा ये केस आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसका श्योर है कि ये तीनों में से कोई एक केस दैट पर्टिकुलर एग्जाम में जो भी आप मास्टर्स का एग्जाम किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या क्लैट या AILT का एग्जाम आप दे रहे हो सो उसमें ये केस जरूर पूछा जाएगा। बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके यहाँ पे आ जाता है कमर्शियल लॉ की बात होती है सो कमर्शियल लॉ में ये क्वेश्चन भी देखे तो माइनर गार्जियंस के इससे रिलेटेड है सो ये एस नॉट सच वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ओके गाइज सॉरी ओके गाइज दिस वन एक्सेप्टेंस प्रपोजल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है ये आपको इलस्ट्रेशन में पूछा जाएगा, ये आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जाएगा लाइक इलस्ट्रेशन आपको assertion reasoning आपको match the following या which one of the जैसे ये question पूछा है is not correct। acceptance वाले जो questions हैं communication of acceptance और knowledge of acceptance
जो आपको जितने भी में से अगर आपको कंटेंट से रिलेटेड है वो आपको एकदम मिस नहीं करना है. तो कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि एकदम इसमें, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस क्या कब कंप्लीट हुआ. सो ये डिफरेंस होता है, इसका बेसिक बेसिक माइन्यूट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग पार्ट होता है. तो अगर आपने बेसिक आपको नहीं पता है तो आपने सिर्फ गो थ्रू किया है सो चांसेस है कि आप उसे रिमेम्बर नहीं कर पाओ और वहां पे आंसर सही ना हो पाए. तो इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप उन्हें बेसिक एकदम क्लियर कर लो, लॉजिक क्लियर कर लो. ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. ये गाइज, ये कंटेंट जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है. मेजर ऑफ डैमेज मतलब डैमेजेस जो होते हैं जब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें डैमेजेस को मेजर कैसे करते हैं, यानी कि कॉम्पनसेशन भरपाई किस तरीके से करते हैं. तो ये पता नहीं क्यों मुझे, मतलब मैंने जनरली ये क्वेश्चन आपको हर मेजर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस में देखा है, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, मेजर ऑफ डैमेजेस. ओके, सो यहाँ पे आपको आ गई है आर्टिकल 14 की बात. कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, 13 आपको मैं फिर से रिटेलिट करवा दू, 13, 14, 15, 16, 19 and 21 ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं. इनकी हमें बिल्कुल बेसिक क्रक्स, बिल्कुल बेसिक लॉजिक हमें क्लियर करना है और हमें इनसे रिलेटेड लेटेस्ट जितने भी लीगल केसेस, लीगल डेवलपमेंट्स या अभी लेटेस्ट फाइलिंग्स हुई है, लेटेस्ट केस हुए हैं आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, जितने भी लेटेस्ट केस हुए गाइस वो हमें कवर करने हैं. ओके, हाउस इज डिसॉल्वड. गाइज ये स्पीकर से रिलेटेड है, आपको रिमेम्बर होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग पार्ट कवर करे थे उसमें इम्पोर्टेंट जो कंटेंट बताया था उसमें मैंने ये बताया था, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फिर फंडामेंटल राइट जो मैंने अभी बताए, फिर रिमूवल, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सो ये एक कंटेंट बताया था. उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस, उनके हाउस के कॉम्पोजिशन, डिसॉल्व, और कॉम्पोजिशन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि हाउ मच ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर दिस या दिस वन, थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर देंगे बिकॉज गाइस ये एएलटी है, क्लैट है, सो नेशनल लेवल एग्जाम एंड दे डोंट प्रोवाइड यू द डायरेक्ट क्वेश्चन, दे नीड कि स्टूडेंट्स अपना एनालिसिस, अपना लॉजिक कैसे इसमें लगाते हैं, अपना लॉजिक कैसे, उनका बेसिक कितना क्लियर है, उनका एनालिसिस पार्ट कितना क्लियर है, उनका कॉम्प्रेंशन पार्ट कितना क्लियर है, वो यहाँ पे चेक किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट. गाइस जो डॉक्ट्रिन से रिलेटेड एक मैं वीडियो अलग से कवर कर दूंगी जिसमें सारे डॉक्ट्रिन होंगे, आर्टिकल 13 में जो डॉक्ट्रिन है जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सबस्टांस, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एंड ऑल दैट, जितने भी डॉक्ट्रिन है उनसे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो कवर कर दूंगी. ओके गाइस, सो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन में. गाइज जैसा मैंने अभी बताया आपको इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे डॉक्ट्रिन की बात थी तो मैंने ही बोला कि डॉक्ट्रिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक वीडियो है वो मैं अलग कवर करूंगी. उसके बाद आती है थ्योरीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी थ्योरीज है उनका भी एक अलग वीडियो है क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि एग्जाम्स में लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में या एएलटी क्लैट में होते हैं सो इनमें थ्योरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड अगर मेरे सामने अगर मैं ये चार केस देखूं सो मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये संपत कुमार वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, एसपी संपत कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया.
सो इफ पॉसिबल आप लोग इसे, मैं इससे रिलेटेड तो कवर कर दूंगी कि क्या इस केस में होता है, लेकिन आप उससे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक बार खुद इसे चेक करो, आप लोग इसे एक गो थ्रू करो कि एसपी संपत कुमार की डिटेल्स क्या है। सो गाइज ये तो थे अभी के 10 क्वेश्चंस, और अब मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग सिर्फ, मैं हर वीडियो में बोलते आ रही हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे 15 मिनट 10-2 मिनट्स के आप डेली वीडियोस पे मत डिपेंड रहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस, और मेरे गाइडेंस में मैं जो बता रही हूँ, मैं जो डायरेक्शन में आपको बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करो और अपनी डीप स्टडी करो। डीप स्टडी का मतलब यू हैव टू गिव योर 101%, क्योंकि गाइस मैं, मेरे पास जब था मैंने एग्जाम्स जो क्लियर किए तो उसमें मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, लाइक आई डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस इन रेस्पेक्टिव। मैंने थोड़ा अपना लॉजिक एंड मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने एक एग्जाम जो मेजर एग्जाम है नेट का, उसे मैंने क्रैक किया। लेकिन मुझे पता है कि विदाउट एनी गाइडेंस आपको कैसा फील होता है, लाइक यू डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस कि कहाँ से स्टार्ट करूँ पढ़ाई, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि उसमें सिलेबस बहुत वास्ट होता है। सो यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, किस कंटेंट को कवर करना है, किसको छोड़ना है। तो रैदर क्या होता है कि मैंने देखा है जनरली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती है, वो हार्ड वर्क पे फोकस कर जाते हैं। हार्ड वर्क का मतलब, आई एम नॉट सेइंग कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क का मतलब यहाँ पे हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क का सीन ये है कि आपको अगर ज्यूरिसप्रूडेंस दिया गया है तो उसमें इम्पोर्टेंट कंटेंट जो बताया गया है तो उस इम्पोर्टेंट कंटेंट को पढ़िए, रैदर देन गोइंग ऑन होल सिलेबस एंड कवरिंग होल द सिलेबस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क करिए इस सेंस में, बट स्मार्ट वर्क एंड प्लस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब अपना आपको 101% देना है। सो डोंट डिपेंड ऑन जस्ट 10-15 मिनट्स वीडियो, एंड डोंट थिंक कि आपको सिर्फ आप ये वीडियो देख के एग्जाम क्रैक। मैं गाइडेंस दे रही हूँ, आप अभी तक मैंने 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए और आपको गाइडेंस मिल चुकी होगी कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, कि अगर हमें ज्यूरिसप्रूडेंस पिक करना है तो ज्यूरिसप्रूडेंस में हमें किस टाइप का क्वेश्चन, कौन कौन सा कंटेंट कवर करना है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पिक करना है तो हमें कौन कौन सा कंटेंट कवर करना है। और रही बात क्वेश्चंस की, और बहुत सारे मैंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स की सीरीज जो यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट में आप चेक करना मेरे चैनल पे ही, सो उसमें मैंने 62-63 वीडियोस अपलोड किए एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और हर कंटेंट से रिलेटेड, और हर क्वेश्चन के साथ मैंने उसका डिटेल्ड आपको बताया, लाइक उस क्वेश्चन की बेसिक डिटेल, बेसिक लॉजिक और जितना भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है उस क्वेश्चन में वो मैंने कवर किया है। सो गाइज इसके साथ साथ आप उस वीडियोस को भी देखो सो दैट आपका कंटेंट वहां पे भी कवर होते चले, और हमारे पास अभी टाइम है, हम लोग धीरे धीरे उस डायरेक्शन में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप ये 15 मिनट का वीडियो देखो, उसके साथ आप अपनी डीप स्टडी करते जाओ, और डीप स्टडी के लिए एक और गाइडेंस ये है कि आप वो वीडियोस देखते जाओ, उसमें मैंने बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक टर्म में मैंने बहुत सारी लाइक ट्रिक्स से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। और स्पेशली आपको मैं बता दूं कि डेफिनेशन जो पार्ट है ज्यूरिसप्रूडेंस का, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो मैंने उसमें बहुत बेसिक तरीके से और बहुत थोड़ा सा ट्रिक्स लगा के, एंड होता है ना थोड़ा सा 2+3 करके, मैंने उसमें बताने और समझाने की कोशिश की है, सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डेफिनेशंस और मैक्सिम्स एनी टाइम। तो आप एक बार उस वीडियो को देखो, तो उसमें मैंने बहुत बेसिक डिटेल में बताया, और उसके बाद मैं गाइस कवर कर ही रही हूँ, तो साथ साथ आप अपनी तैयारी भी करते चलो। सो गाइस ये तो था आज का वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन, प्लीज आप उसे मैसेज में प्रोवाइड करो, आई विल लुक इनटू दैट एज सून एज पॉसिबल। और गाइस बहुत जिन जिन लोगों ने मुझे बुक्स से रिलेटेड रेलिवेंट कंटेंट और सिलेबस और केस लॉज, तो मैंने उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया आपके कमेंट्स में। इररेस्पेक्टिव आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड, या आप ये चाहते हो कि मैं जिस फॉर्मेट में अभी पढ़ा रही हूँ उसको चेंज करके कोई और फॉर्मेट में लाऊं, सो वो भी आप प्रोवाइड करो, आई विल यूज दैट एंड आई विल कंसिडर दैट। सो गाइज आप तैयारी करते रहो और फीडबैक देते रहो। टिल देन बाय बाय।